आप लोग अपनी सुबाई की आदत पे यकीन रखें। वफाक के मुलाजमीन शाना बशाना खड़े हैं। जो भी सुबाई की आदत फैसला करेगी आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितनी भी तंजीमें हैं बशमूल आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, खालिद जवेद संघेड़ा साहब, बनारस खान जदून, फजल गफार बादशाह साहब, सुल्तान मुजद्दी साहब, राना इकबाल नून साहब, एपका के साथी जो मुलाजमीन के साथ मुखलिस हैं, क्लर्क बरादरी के साथ मुखलिस हैं, 10 फरवरी के एहतजाज में इन्होंने शिरकत की और सूबों को वाज़े हदायात और डायरेक्शंस दिलवाई कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और जितने भी सो कॉल्ड यूनियन धड़े मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, उससे हट के भी दुकानदारी चमकाने के लिए, अगर आपको इन हदायात के ऊपर इतनी तसल्ली नहीं है तो आप किस लिए जा के इन डायरेक्शंस की जिम्मेदारी ले रहे हैं। केपीके के हवाले से आज 4 बजे मीटिंग थी, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से आ जाएगी। नहीं आती है खुदा न खास्ता तो बुज़दार साहब, आपने पंजाब के अंदर ऐलान किया है, वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान, हफीज़ शेख साहब और IMF के बहुत बड़े बड़े एजेंटों का ये दावा था कि मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिलेगा, मुलाजमीन ने अपने जोरे बाजुओं पे लिया। लेडीज़ हेल्प वर्कर्स, हमारी बहनें बैठी हुई हैं पंजाब में, इंशाल्लाह ताला कल मैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आ रहा हूँ। कुछ मुलाजमीन दुश्मन लोग, उन्होंने कहा कि अंडे और टमाटर जो है मारे जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मारिएगा नहीं, मैं थैला लेके आऊँगा। वैसे भी अंडे और टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो वो मैं साथ लेके आऊँगा। अंडा करी बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह ताला, और तमाम पंजाब भर के मुलाजमीन के हम साथ हैं। पंजाब पुलिस के साथ भी मुकाबला करना पड़ा, पहले तो एम्प्लॉयज़ वर्सेस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस थी। मुझे लगता है कि एक मार्का दोबारा से लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्सेस पंजाब पुलिस। गवर्नमेंट के लिए मैसेज है कि हक तो आपको देना है, बाइज्जत तरीके से दें और इसका क्रेडिट लें। मुलाजमीन को अपने साथ खड़ा रखें आप लोग, जैसा कि मुलाजमीन आपके साथ हैं। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे और गैर सियासी रहना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी मुलाजमीन को उनका हक दें। उंगली टेढ़ी ना करनी पड़े मुलाजमीन को, हमें पुरअमन रहने दें। हम पुरअमन पिछले 1 साल से थे, आंसू गैस इस्तेमाल करके आपने देख लिया, जो पिसे हुए डिप्राइव्ड मुलाजमीन हैं आखिरी हद तक जाएंगे अपने बच्चों का हक लेने के लिए। ये जहन में रखें, ये पैसे आप घर से नहीं लेके आए, इन पे हमारा भी उतना ही हक है जितना सूबाई असेंबली के या नेशनल असेंबली के वजीरों मुशीरों का है। अगर ये वजीर मुशीर बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकते और अपने बिल पास करवाते हैं तो गरीब सरकारी मुलाजमीन के बिजली के बिल और गैस के बिल आप माफ़ कर दें, हमें तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा तनख्वाहें तो इन बिलों में चली जाती हैं। मुलाजमीन इस मैसेज को शेयर कर दें, इंशाल्लाह ताला कल मैं पंजाब में लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए आ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के मसाइल और 25% जो इजाफे की डायरेक्शंस गई हुई हैं वफाक की जानिब से, उसके ऊपर अमल दरामद हो।